Speak English fluently. हेलो एंड वेलकम टू ऑक्स इंग्लिश प्रोग्राम होता है ना आप अपने दोस्त से मिलने जाते हो और वो आपका इंतजार करता होता है तो अरे तुम कब से इंतजार कर रहे हो फ्रेंड्स आज हम इसी एक्सप्रेशन को लेकर आए हैं मुझे यकीन है कभी ना कभी आप इसे यूज करने में कन्फ्यूज हुए होंगे कि हम कैसे यूज करें लॉन्ग और हाउ फार को क्या डिफरेंस है क्या अंतर है क्या फ़र्क है लॉन्ग और हाउ फार में आइए हम इसे इस कंफ्यूजन को डाइल्यूट करते हैं हाउ लॉन्ग इट टॉक्स अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम समथिंग टेक्स वो समय जो किसी चीज के लिए लगता है जैसे आपका दोस्त इंतजार कर रहा है आप कहेंगे तुम कब से इंतजार कर रहे हो तो कहेंगे इंग्लिश में हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग कब से बारिश हो रही है हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग राइट तो जब भी कहेंगे कब से तुम पटना में कब से रह रहे हो how long have you been living in पटना? is that clear तुम कब से उसे जान? how long do you know him जब कभी भी हम बात करेंगे राइट right? कब से की इज दैट क्लियर तो हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे कब से इज दैट क्लियर जैसे तुम कब से इंतजार कर रहे हो how long have you been waiting कब से बारिश हो रही है how long has it been raining एक तो यूज हो गया कब से में राइट right? और दूसरा यूज है जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे जैसे लॉन्ग विल द मूवी रन कितनी देर तक ये फिल्म चलेगी हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच टू द स्टेशन स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगेगा तो इसके लिए भी हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे ऑन द अदर हैंड हाउ फार का इस्तेमाल करेंगे किसमें डिस्टेंस में इट टॉक्स अबाउट डिस्टेंस अगर मैं कि यहाँ से स्टेशन कितनी दूरी पर है तो हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर अगर कहेंगे कि तुम्हारे क्लास से वॉशरूम की दूरी कितनी है हाउ फार इज़ द वॉशरूम फ्रॉम योर क्लास तो एक तो क्या हो गया कि जब कभी भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो फार का इस्तेमाल करेंगे राइट right. और हाउ फार का एक और भी खूबसूरत यूज़ है आप कहते हो ना कि मैं कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक कोशिश करने को तैयार हूँ इस दखला तो यहाँ भी हाउ फार का इस्तेमाल होगा तो हाउ फार मीन्स टू वाट एक्सटेंट है राइट कहते हैं How far will you prepare to get success? Is that clear? How far, how far can you go to woo her? to so, किस had tak right? How far can you go to do this? Is that clear, guys? तो so, अगर बहुत simplest तरीके में आप recap करें, तो how long जो time लगता है उसके लिए, और हिंदी में कब से, और कितनी दूरी ये दो चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, और how far का भी डिस्टेंस में यूज़ करेंगे हौ फार और किस हद तक टू वट एक्सटेंट के लिए भी हम लोग हौ फार का इस्तेमाल करते हैं इज द दर सो यू मस्ट प्रैक्टिस ऑन दीज टू वर्ड्स हॉफ आर एंड हो लॉन्ग राइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल्स और भी हाफ आर और लॉन्ग के दिए गए हैं आप उसे और जरूर देखें एंड प्लीज एंड प्लीज कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई एम श्योर एनाफ यू वुड बी गुड एट इंग्लिश इन डेज टू कम Thank you very much. Here we would like to wind it up in the next video. We are going to meet again. Bye bye.